देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा के लिए भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया यानी WRAI की पहल है। सुरक्षित मातृत्व के लिए भारत सरकार ने सन 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसे इसलिए मनाए जाने का फैसला किया गया क्योंकि गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद महिलाओं को अधिकतम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाए ताकि प्रसव के दौरान या बच्चे को जन्म देने के कारण किसी भी महिला की मौत ना हो। बच्चे के जन्म के कारण माताओं की मौत के मामले में भारत की स्थिति बहुत खराब है। और आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस का इतिहास क्या है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1800 संगठनों के गठबंधन व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI के अनुरोध पर साल 2003 में कस्तूरबा गांधी की जन्म वर्षगांठ 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इस दिन देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं के पोषण पर सही ध्यान दिया जा सके। आपको जानकारी के लिए आगे ये भी बताते चले कि भारत में हर साल जन्म देते समय तकरीबन 45,000 महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। यह संख्या दुनिया भर में होने वाली मौतों का करीब 12% है। देश में जन्म देते समय प्रति 1,00,000 महिलाओं में से 167 महिलाएं मौत के मुंह में चली जाती हैं। हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में मातृ मृत्यु दर में तेजी से कमी आ रही है। देश ने सन 1990 से 2011-13 की अवधि में 47% की वैश्विक उपलब्धि की तुलना में मातृ मृत्यु दर को 65% से ज्यादा घटाने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि सूबे में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर काबू पाने को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग हर संभव कोशिश कर रहा है। गर्भावस्था की सही जांच पड़ताल के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर माह की 9 तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष आयोजन होता है जहां पर MBBS चिकित्सक गर्भवती की संपूर्ण जांच करता है और कोई जटिलता नजर आती है तो उन महिलाओं को चिन्हित कर उन पर खास नजर रखता है। आपको ये भी बता दें कि पहली बार गर्भवती होने पर 3 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रसव के तुरंत बाद बच्चे की उचित देखभाल के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। सुरक्षित प्रसव के लिए एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। आगे इस क्रम में आपको ये भी बता दें कि जटिल गर्भावस्था यानी HRP वाली महिलाओं की पहचान के साथ ही उनका खास ध्यान रखकर उनको सुरक्षित प्रसव के लिए तैयार किया जाता है। अप्रैल सन 2020 से मार्च सन 2021 के दौरान 91,997 महिलाएं श्रेणी में चिन्हित की गईं। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत होने वाली जाँच का 836,980 महिलाओं ने फायदा उठाया है। आगे आपको यह भी बताते चलें कि प्रदेश में एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। यह गर्भवती को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने का काम करती है। वर्ष 2020-21 में 16,41,842 महिलाओं को घर से अस्पताल और 20,15,847 महिलाओं को अस्पताल से घर पहुँचाया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है, जिससे औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली करीब 18,00,000 महिलाओं को इसका फायदा मिला। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में शायद 2 या 3 ही देश हैं जो इस मामले में हमसे आगे हैं। इस महत्वपूर्ण फैसले का मूल उद्देश्य उस नवजात शिशु की देखभाल, भारत का भावी नागरिक, जन के प्रारंभिक काल में उसकी सही देखभाल हो, माँ का उसको भरपूर प्यार मिले, तब ये शिशु बड़े होकर के देश की अमानत बनेंगे। आगे आपको बता दें कि जच्चा बच्चा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। योजनाओं का लाभ मिले इसलिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आशा कार्यकर्त्री इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। बच्चे को गर्भावस्था के 3रे-4थे महीने में प्रशिक्षित चिकित्सक से जांच अवश्य करानी चाहिए और गर्भवती महिलाओं को खान पान का ध्यान रखना चाहिए।
तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।